अभी तक देखा, ये कनेक्शन हम यहाँ पे सारे लगा लेंगे स्टेप बाय स्टेप, और ये हमारा रियर सेंसर है। अब चलते हैं, अब इसका अपर केज लगाते हैं, इसका जो डोर है, उसके बाद से हम देखते हैं उसके पैक करना। बाकी ऑलमोस्ट हमारा प्रिंटर पैक हो चुका है, फुल सेटअप कर लिया हमने। डस्टिंग वगैरह भी आपको क्लीन करना है तो क्लीन कर लीजिए, फिलहाल तो हमारा क्लीन हो चुका है जो भी है। अब इस पर हम ब्लोअर लगेगा फाइनली, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया, पैक कर लिया, स्टोरेज फुल हो चुका था, इस वजह से हमने कुछ वीडियो डिलीट करनी पड़ी, अपना वीडियो पॉज हो गया। और ये हमारा गियर लग चुका है प्रॉपर, और पावर ऑन ऑफ का ये स्विच भी हमारा यहीं था, तो शायद हमें लग रहा है कहीं गिरा हुआ, तो इसको आपको पार्टों को ध्यान से रखना है, देखना है, ठीक है। तो पावर ऑन और स्विच यहाँ से मिसिंग है, ये जो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे सामने ऑन 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 ऑफ करने वाला था वो तो अवेलेबल नहीं दिख रहा यहाँ पे, ठीक है। तो ये समस्या ये जब क्रिएट होता है तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। पावर सप्लाई रिप्लेसमेंट हमने देख लिया था, उसके साथ साथ भी हमने ये देखा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ पार्ट हमारे हमारे जो टूट गए थे वीडियो रोटेट करने के चक्कर में प्रिंटर, ठीक है। तो ये हम कोई यही जो आपको देखना है ध्यान से कि ये टूटे ना, ठीक है। ये जो रियर का था कहीं का ये टूटा हुआ, ये देखिए ऐसे ही था कुछ कहीं से, तो देखना वो कहाँ का टूटा है वो तो अलग मैटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको टूटने वाला नहीं देखना है क्योंकि स्पेस कम है, तो इसकी लेंथ ही प्रिंटर की इतना बराबर डिटेबल हमारा, इस वजह से हम पूरा वीडियो नहीं दिखा पाते हैं फ्रेम में डिटेल में। तो ये दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि बता नहीं सकते आपको। तो ये हमारा पावर स्विच है जो हमें यहाँ से अगर निकल जाता है तो पावर स्विच को हम क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों, यहाँ लगता है तो हम क्या करेंगे ऐसे लगा देंगे, हमारा फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। ये देखिए इस तरह से हम लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, ओके ऐसे लग जाएगा, ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ऑन ऑफ करने का इसका ही बस है। तो अब लगाते हैं कवर ऊपर का, ये हमारे कवर है, वीडियो ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए इधर से हमारा कवर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कंट्रोल पैनल लगाएंगे, तो कंट्रोल पैनल का जो हिस्सा आएगा हमारा राइट में आता है, और जो ये केबल लगेगा हम इसके इधर से लेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रिंटर हमने सक्सेसफुली पैक कर लिया है, वीडियो डीपली समझाने के चक्कर में ये ऐसा हुआ है। तो वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग लेनी थी आपको, अपना बिजनेस रन करना है आपको इंजीनियर, वो आपको दिक्कतें आती हैं तो आप हमारा वीडियो वॉच कीजिए पूरा पूरा, आपको ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सारे टाइप ए टू जेड एरर मैंने इसमें कवर किया, जो भी आते हैं मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने इसमें पूरा शेयर किया है, आप लोग देख सकते हो इसको, आपको पसंद आए तो आप इसे फॉलो भी कर सकते हो। ये हमारा कंट्रोल पैनल था, अब इसको हम लगा लेंगे यहाँ पे, पहले ये कनेक्ट करेंगे, तो ये केबल छोटा होगा तो आप इस कवर को बंद करने से पहले लगा लीजिए, नहीं तो ये लेंथ छोटी होने के चक्कर में तभी कवर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। फर्स्टली आपको आगे वाला हिस्सा लगाना होता है, ये लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं लेंथ को, फिर उसके बाद से हम लगाएंगे, पहले कंट्रोल पैनल लगा लेते हैं फिर उसको लगाएंगे, ठीक है। तो केबल निकल जाएगी तो फिर आपको लगाने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यहाँ से प्रेस करेंगे दोनों साइड का सिंपल लॉक, ये बैठ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ से अगर 19-20 होगी तो फिर केबल को आप यहाँ से रूट कर लीजिए, ये भी एक आसान तरीका है, ठीक है। और आप आलसी हो काम करने में तो फिर आप प्रिंटर भूल जाओ कि आप रिपेयर कर पाओगे, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है आपके साथ, ठीक है। ये आपका इस तरह से पैक हो जाएगा और प्रॉब्लम है तरह से फिक्स कर लिया। आप पावर लगा के देखते हैं, ऑलमोस्ट अब साइड साइड का कवर लगाना हो तो आप भी लगा सकते हो। अब इसमें पावर लगाते हैं, पावर लगाइए जरा। डुप्लेक्सर यूनिट भी लगाना, लगाइए डुप्लेक्सर यूनिट भी लगा के दिखा देते हैं तो वो हम कंट्रोल पैनल देखेंगे। डुप्लेक्सर यूनिट उठाना जरा, ये हमारा डुप्लेक्सर यूनिट है, यहाँ बैक साइड में लगता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल डुप्लेक्सर यूनिट जैसे हमने निकाला था ऐसे पहला हिस्सा इन कर देंगे और ये वाला खोल लेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कहाँ पे स्टक हो रहा है, ठीक है। तो स्टक हो नहीं रहा तो बिल्कुल आसानी से यहाँ से लग गया है, ठीक है। अब हम एक सिंपल पेच लगाना है यहाँ पे, जो कि फटाफट से पेच लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेच लग चुका है। ये देखिए, तो ये लग चुका है और इधर भी लगाना होता है दो, तो ये तो कोई बात नहीं, हम बाद में लगा लेंगे, एक इधर और इधर और एक इधर। इससे इतना हमारा इनफ है टेस्टिंग करने के लिए। और आगे की ट्रे लगाएंगे, यहाँ से लोड कर लेंगे, थोड़ा सा उठा के ऊपर रख देंगे। देखो अगर ऐसे आप नीचे रहेगा यहाँ से ट्रे तो आपका ये पेपर ट्रे नहीं लगेगा, ऐसे करना होता है बैठ जाएगा, ठीक है। पेपर ट्रे दो, तो यहाँ से हम पेपर ट्रे लगा देंगे थोड़ा टेस्टिंग, ठीक है। तो फिलहाल पावर केबल लगाते हैं, चेक करते हैं हमारा डिस्प्ले आया या नहीं आया, क्या है कहानी हमें दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रिंटर मूव कर चुका है मूवमेंट, बंद करके चालू करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये हमारा हल्का सा मूवमेंट किया और बंद हो गया। तो हमने पैनल पे लाइट तो लगाया नहीं, कनेक्शन पावर एक बार बंद करके हम पैनल लगाते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पैनल में लाइट आ चुका है, बट क्या है इंजन मूवमेंट यहाँ पे नहीं किया, ओके। इंजन 2 बजे से मूवमेंट नहीं करता है, तो देखिए यहाँ पेपर उठा लिया इस वजह से यहाँ मूवमेंट नहीं किया, ओके। पेपर जाम हो गया है, देखिए दोबारा से। तो इसको हम क्या करेंगे, रील हमारा उठा हुआ था तो गियर को रिलीज किया इस वजह से। और हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब कार्टेज लगा के यहाँ पे कंट्रोल करने पर लाइट आ गया, इंजन मूवमेंट कर चुका है, रोलर भी मूवमेंट कर चुका है और ये इनिशियलाइज नहीं अटक गया है। ये लाइट आ गया लेकिन ये कार्ड ख़राब है, हेवलाइट पे अटक गया, तो कार्ड चेंज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से डिस्प्ले लाइट ला दिया और फ्यूचर सर्विस करना हमने सीख लिया और पैक करना असेंबल डी असेंबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।